अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजल करम और एहसान के साथ मैं हूँ आपका दोस्त। लोच आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आलिम नादिर दरसुल। जी तो दोस्तों, उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ और डाल रहा हूँ। तो जैसा कि आप लास्ट वीडियोस में देख रहे थे कि मैं पाकिस्तान के विज़िट पे था और वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह टाइम अच्छा पास हुआ। अभी वापस आ गया हूँ सऊदी में, तो आज ही काम पे आया हूँ और नया प्रोजेक्ट है वो चल के नसरुल्ला साहब ने ही पकड़ा था और उसका हाफ से ज़्यादा जो है वो काम कम्प्लीट हो गया, बस एंडिंग मराहल में है। तो आपको भी दिखाते हैं क्या कुछ किया यहाँ पे और क्या कुछ बाकी है। चलें तो साथ रहिएगा। जी तो दोस्तों, ये जैसा कि आप देख रहे हैं ये एरिया जो था, इधर डेड ग्रास था वो सारा निकाल के ग्रेवल वगैरह डाल दिए, सफ़ेद ग्रेवल। अभी इसमें स्टोन्स वगैरह कुछ पड़े हैं, बाकी सामान कुछ पड़ा है तो वो निकाल लेंगे। तो बाकी आपको ये सारा जो मटेरियल पड़ा है, ये इरिगेशन का मटेरियल पड़ा है, ये यूज़ हो रहा है, ये बर्मील कचरा दान। और ये पहले एक यहाँ से भर के बाहर डलवा दिया और एक बाकी पड़े। और ये वाश एंटोनिया ट्री है, ये क्लीन करवा दिए और इनके पत्ते वगैरह भी कटवा दिए। जी तो ये वाश एंटोनिया जो है ये क्लीन हो चुके हैं। और एक एरिया ये है, यहाँ पे भी जैसा कि आप देख रहे हैं कि वाश एंटोनिया क्लीन भी हो गए हैं, कटिंग भी हो गई और नीचे ग्रास वगैरह भी लगा दिए, इरिगेशन भी कर दिए इस एरिए की, क्योंकि ये अभी 2 दिन पहले ही ग्रास लगाया तो कुछ एरिया में वो अभी पैचेस नज़र आ रहे हैं कि जैसे खुश्क हो गए। तो वक्त के साथ साथ जैसे इसकी रूट्स जो हैं वो नीचे जाएंगी तो ये बिल्कुल ग्रीन हो जाएगा। जैसा ये एक एरिया आप देख रहे हैं, ये ऐसे लग रहा है कि जैसे डेड हो गया, लेकिन डेड नहीं हुआ। ये 2-3 दिन में जैसे ही इसको पानी मिलेगा ये बिल्कुल ग्रीन हो जाएगा, जैसे ये ग्रीन हुआ पड़ा, क्योंकि अभी इसकी रूट्स जो हैं वो नीचे ज़मीन में नहीं गई। ये एक एरिया आगे, चलिए आपको और भी दिखाते। ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये एजेस के साथ एरिगेशन की गई है ऑटोमेटिक, और साथ में डिफरेंट कलर्स के जो हैं वो फ्लावर्स ऐड किए गए हैं, और सेंटर में सब्बार हैं और साथ में वाइट ग्रेवल ऐड की गई है, और इसकी लुक को माशाल्लाह बहुत ही आउट क्लास बना रहे हैं। और ये कोनिकार्पिक्स ये पहले के लगे हुए थे, ये आपको दिखाते हैं। ये बिल्कुल पहले जो था ये डेड एरिया था, इधर कुछ भी नहीं था। जैसा कि एक और एरिया मैं अभी आपको दिखाने लगा हूँ, ये इस तरह का था, तो अभी इसमें हम लोगों ने जो रेनोवेशन कर दी है। और बाकी चल के आपको दिखाते हैं एक और एरिया, वो भी सेम इसी तरह हम लोग बनाने जा रहे हैं। ये एरिया ये भी आप देख रहे हैं, इसकी एरिगेशन और एजिंग प्लास्टिक जो है वो लगा रहे हैं। ये एरिया ये जो पहले मैं आपको दिखा चुका हूँ सेम एज इट था, और इसकी अभी जो है वो रेनोवेशन स्टार्ट कर दी है, काम चली जा रही है। ये देखें, चलें बाकी आपको फिर दिखाते हैं। ये जब कंप्लीट हो जाएगा इसमें फ्लावर्स ऐड करेंगे, सबार ऐड करेंगे और बाकी जो प्लांट्स वगैरह वो ऐड करके इरिगेशन कंप्लीट करके और एजेस वगैरह लगाएंगे, और फिर इसमें ग्रेवल वगैरह और जो कुछ भी और डालना है वो डाल के फिर आपको लास्ट में दिखाते हैं इसका। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं जो एरिया मैंने अभी दिखाया वो हाफ आई थिंक कंप्लीट हो गया। ये जो है वाइट ग्रेवल इसमें डाली जा रही है, यहाँ से भर भर के एक आदमी उसको भर रहा है और बाकी जो है वो उसको ला के यहाँ पे डाल रहे हैं। ये भी कुछ एरिया बाकी है, यहाँ पे डाली जा रही है। सेंटर में जो प्लांट्स थे डेजर्ट प्लांट्स वो लगा दिए और ग्रेवल जो है वो भी डाल दी। इसके नीचे जो है वो एरिगेशन पाइप डाल दिए ताकि इन प्लांट्स को जो है वो पानी मिल सके। और यहाँ पे ये फ्रंट है जैसा कि आप देख रहे हैं, होटल है और इसका फ्रंट है, और यहाँ पानी का थोड़ा इश्यू है। और वैसे भी ओवरऑल जितने भी ये कंट्रीज हैं गल्फ कंट्रीज, उनमें पानी का तो इश्यू है, तो उन्होंने बोला है कि पानी जो है वो कम कंज्यूम करता है, इसलिए ये जो है ये डेजर्ट
व्यू दिया है, और थोड़ा बाकी इसमें फ्लावर्स वगैरह जो है वो ऐड करेंगे। ये भी फ्लावर्स पड़े हैं, जीनिया पड़े हैं डिफरेंट कलर्स में, ये ऐड करेंगे इसमें। हॉलीडे इन, बहुत ज़्यादा ब्रांचेज हैं इसकी। ये भी एक एरिया है, ये ग्रिल के साथ साथ भी एरिया है। और ये दो एरिया है, ये जिस एरिया में मैं अभी खड़ा हूँ एक ये साइड है और दूसरी इसके बिल्कुल साइड में है, वो भी आपको मैं जाके दिखाता हूँ। ये पहले मेरे आने से पहले जो था वो कंप्लीट किया है इन्होंने। इस एरिया में सारा ग्रास लगवाया इन्होंने, सुन के अपनी सोच है। और फ्रंट में बोला है कि डेजर्ट व्यू होना चाहिए। एक तो थोड़ी पानी की जो कंजम्पशन थी वो भी ताकि कम हो जाए, और दूसरा फ्रंट में कभी पानी अगर ओवरफ्लो हो जाता है तो वो बाहर आ जाता है, तो यहाँ पे जो है ये कस्टमर्स वगैरह आके रुकते हैं गाड़ी से उतर के तो अंदर जाते हैं, तो इसलिए ताकि पानी बाहर किसी सूरत में भी बाहर खड़ा ना हो। ग्रेवल जो है वो हाफ से ज़्यादा जो है वो कंप्लीट हो गई है, डाली जा चुकी है, बाकी थोड़ी रहती है। तो बाकी फिर आपको चलते हैं दिखाते हैं फ्लावर्स की प्लांटेशन भी और बाकी जो भी है वो फिर आपको चलते दिखाते हैं जी। तो फ्रेंड्स आपको दिखाते हैं जो अभी काम फिनिश किया है। ये था पहले वाला जिसके क्लिप्स में आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, और ये हम लोगों ने अभी नी बनाया सेम एज इट। और ये ऑलमोस्ट चार बंदों ने मिलके बनाया और टाइम लगा इसके ऊपर अप्रोक्सीमेटली 3 आवर्स। देखिए मेरे नज़रिए के मुताबिक तो अच्छा बना है, बाकी आप लोगों ने कमेंट्स करके बताना है आप लोगों को कैसा लगा। जी तो फ्रेंड्स ये देखिए इसका दूसरी तरफ से व्यू। जी तो दोस्तों वीडियो का करते हैं एक्सटाफ, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को आल एक बार को, ताकि मजीद इस तरह की वीडियोस और इसके अलावा और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक एक टाइम पहुँचती रहे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।